आज की बात स्वागत। आप जानते हैं कि आज की बात में इस समय हम लोग भारत की जो दर्शन परंपरा है और जो दार्शनिक चिंतन है, इस दार्शनिक चिंतन को आधुनिक जगत तक पहुंचाने में जिन लोगों का बड़ा योगदान रहा है, उन्हीं दार्शनिकों का एक छोटा सा परिचय आपके पास पहुंचा रहे हैं। दरअसल दार्शनिकों का ये जो परिचय हम आपके पास पहुंचा रहे हैं, इस परिचय को हमारे पास पहुंचाने में एक सबसे बड़ा योगदान है प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शाक्य के शोध अध्ययन का, जिन्होंने अपना शोध अध्ययन विश्व के महान बौद्ध दार्शनिक इस शीर्षक के साथ पुस्तक के रूप में छाप दिए हैं। तो सबसे पहले तो इस कड़ी में आगे बढ़ने से पहले हम प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शाक्य के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, उनके प्रति धन्यवाद व्यक्त करते हैं, उनके इस अनमोल कार्य के लिए उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और यहां से आगे बढ़ते हैं। आज के जो दार्शनिक है वह है शांति देव। आपने पिछली कड़ी में देखा होगा कि बोधिचर्या अवतार में 6 पारमिताओं की चर्चा आचार्य शांति देव करते हैं, और आचार्य शांति देव ये जो 6 पारमिताओं की चर्चा करते हैं तो इसमें से 2 पारमिताएं हमने पिछली कड़ी में देखी, एक तो दान और दूसरी शील। अब तीसरी पारमिता की चर्चा आचार्य शांतिदेव अपने चिंतन में करते हैं और वो है शांति। तो एक शांति क्या है? तो देखिएगा, द्वेष के समान पाप नहीं। आचार्य शांतिदेव कहते हैं कि किसी का अगर द्वेष करते हैं तो द्वेष के समान तो कोई पाप नहीं, कोई बुराई नहीं। सबसे बड़ी बुराई है किसी का द्वेष करना, क्योंकि ये द्वेष सबसे पहले तो हमारे मन में उत्पन्न होता है। किसी के प्रति द्वेष करने से पहले भी वह हमारे मन में उत्पन्न हो जाता है। तो द्वेष ये सबसे, इसके समान कोई दूसरा पाप नहीं है। और फिर वे कहते हैं कि क्षमा के समान दूसरा कोई तप नहीं। बहुत सारे तपस्वी हैं दुनिया में, आज की तारीख में भी बहुत सारे लोग कई व्रतों के साथ, कई नियमों के साथ, कई संकल्पों के साथ जीते हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, लेकिन यहां तथागत की शिक्षाओं के आधार पर आचार्य शांतिदेव कहते हैं कि क्षमा से बढ़कर या फिर क्षमा के समान कोई तप नहीं है। और फिर वे आगे कहते हैं कि देखिए, इसलिए विविध प्रकार के उपायों से क्षमा भावना करनी चाहिए। हो सकता है किसी ने बहुत बड़ी गलती की हो, लेकिन क्षमा की भावना होनी चाहिए। यदि क्षमा की भावना न हो तो हमेशा मन में द्वेष ही बना रहेगा, तो इसलिए क्षमा करते आना चाहिए। और क्षमा करने के लिए बहुत बल लगता है। किसी को माफ करने के लिए, किसी से नफरत करना बड़ा आसान हो जाता है, लेकिन किसी को माफ करना है तो इसके लिए बड़े बल की जरूरत पड़ती है। और इसलिए आचार्य शांतिदेव इसे एक बड़ा तप कहते हैं। फिर वे आगे कहते हैं कि क्षमा भावना तभी उत्पन्न होती है, कब? जब कोई द्वेष, क्रोध, अपुण्य कर्म से अपकार करता है। क्षमा भावना तभी आ सकती है जब कोई द्वेष, क्रोध इन सब से दूर जाए। जहां प्रेम और आदर भाव रहता है वहां क्षमा आती है। तो ये जो विनयशील बनने वाली जो तथागत बुद्ध की जो सिख है, इसके आधार पर क्षमा भावना का विकास होता है। तो प्रेम और आदर का भाव जहां होता है वहां क्षमा भावना उपस्थित होती है। फिर आगे वे कहते हैं कि वहां द्वेष की गंध भी नहीं होती। जहां प्रेम और आदर भाव होता है वहां द्वेष नहीं होता। जिनके द्वेष मुक्त चित्त में ऐसे विचार रहते हैं उनमें घृणा की भावना नहीं रहती। जिनके चित्त में द्वेष मुक्तता है, जिनका चित्त पूर्णतः द्वेष मुक्त हो गया है, वहां घृणा की भावना नहीं होती। और ऐसा इस कारण कि कभी घृणा को घृणा से दूर नहीं किया जा सकता है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि आग को आग से बुझा दिया जाए, सामने वाला भी घृणा करे, आप भी घृणा करें और घृणा खत्म हो जाए, ऐसा कभी होता नहीं। तो घृणा को मिटाने के लिए, आग को बुझाने के लिए जैसे पानी की जरूरत है,
आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता, वैसे ही घृणा को घृणा से खत्म नहीं किया जा सकता। तो घृणा के खत्म होने का एक ही जरिया हो सकता है और वो होता है प्यार। यदि प्यार है तो घृणा की भावना को दूर किया जा सकता है, और अगर प्यार नहीं है तो घृणा घृणा ही बनी रहेगी। ये जो जीवन के बड़े ही सामान्य तत्व है, तथागत बुद्ध ने धम्मपद में इन सब को बहुत अच्छी तरह से समझाए हैं। कई कहानियां भी इसके साथ जुड़ी हुई है जब तथागत बुद्ध ने इस बात को लोगों के पास पहुंचाया। आचार्य शांतिदेव ने तथागत बुद्ध के इन्हीं वचनों को जब अपने बोधिचर्य अवतार में नए सिरे से इसे विश्लेषित किए तो उन्होंने इस शांति की पारमिता को एक बड़ी महत्वपूर्ण पारमिता माना है बोधिचर्या की इस पूरी प्रक्रिया में। आचार्य शांतिदेव कहते हैं, देखिए क्या कहते हैं वे, यदि पीड़ा देने में प्रधान दंड आदि को छोड़कर उनके प्रेरक का क्रोध करता हूं तो वह भी द्वेष से प्रेरित हुआ है। बड़ी सामान्य सी बात है, देखिएगा, यदि पीड़ा देने में प्रधान दंड आदि को छोड़कर उनके प्रेरक का क्रोध करता हूं तो भी वह द्वेष से प्रेरित हुआ है, अतः मेरा द्वेष के प्रति क्रोध करना ठीक हो सकता है। द्वेषी के प्रति क्रोध हो सकता है, मतलब वो तो प्रवृत्ति हुई, लेकिन द्वेषी के प्रति नहीं। क्षमा भावना में इस प्रकार द्वेष रहित चित्त से ही समाज कल्याण का कार्य किया जा सकता है। हम बेहतर समाज की ओर अगर निकलते हैं तो बीती हुई बातों पर बहुत सोचते हुए जब लोग घृणा में और द्वेष में जीने लगते हैं तो अधिकतर वर्तमान में हम पूरी घृणा से और द्वेष से भर जाते हैं। दरअसल एक बेहतर समाज के निर्माण में तथागत बुद्ध का जो वचन है, जो उनका मार्गदर्शन है, वो मार्गदर्शन अपने आप में बड़ा विशिष्ट मार्गदर्शन है कि हम बेहतर समाज में जिएंगे कैसे, रहेंगे कैसे, आनंदपूर्वक कैसे जिएंगे। हाँ, इस क्षमा में या फिर घृणा मुक्तता में या द्वेष मुक्तता में ऐसा नहीं है कि तथागत अन्याय की बात करते हो। तथागत इस बात के लिए बिल्कुल स्पष्ट है और वे कहते हैं कि जहां न्याय होगा वहीं पर शांति होगी, जहां अन्याय होगा वहां अशांति ही होगी। यहां घृणा को कम करना है लेकिन अन्याय को स्वीकारते हुए नहीं, बल्कि न्याय की प्रस्थापना के साथ, न्याय की स्थापना करते हुए। द्वेष की प्रवृत्ति का अधिकार है लेकिन द्वेषी का अधिकार नहीं। तो आचार्य शांतिदेव की ये जो बात है तथागत बुद्ध के वचनों से आती हुई और उसे आगे बढ़ाती हुई अपने आप में बड़ी विशिष्ट बात है। अब देखिएगा कि आगे जब हम बढ़ते हैं तो आचार्य शांतिदेव कहते हैं एक चौथी बात, यानी कि चौथी एक पारमिता जो आचार्य शांतिदेव बताते हैं, वे कहते हैं वीर्य पारमिता। वीर्य पारमिता का लक्षण है कुशल उत्साह। शील के विकास के लिए वीर्य की अपेक्षा होती है। किसी भी शील को अपने जीवन में उतारना है तो उसके लिए मन में उत्साह का होना बड़ा जरूरी है। आलसी ये काम नहीं कर पाते, तो ये इसे नाम दिया है उन्होंने वीर्य का, उत्साह का, ऊर्जा का, कि हिंसाचारी नहीं होना है, मेरी चीज नहीं है नहीं लूंगा, किसी से झूठ नहीं बोलूंगा, अपनी वाणी से किसी को नहीं फंसाऊंगा, व्यभिचारी नहीं रहूंगा। वो चीजें जो प्रमाद में फंसा देती है उनसे विरत हो जाऊंगा। ये जो सोच है, ये जो समझ है, इसके लिए उत्साह की जरूरत होती है और इसी उत्साह का नाम है वीर्य। अविषाद, बल व्यूह तात्पर्य, आत्मविधेयता, परात्म समता और परात्म परिवर्तन से ही वीर्य की वृद्धि होती है। और इसमें सबसे बड़ा सहायक होता है कुशल धर्मों का आचरण। कुशल धर्मों का आचरण वैयक्तिक उत्साह का वर्धक होता है। जो अच्छा कार्य करते हैं वे हमेशा उत्साह से भरपूर होते हैं, उनके मन में उत्साह ये हमेशा बना हुआ होता है किसी भी कार्य के प्रति। कुशल धर्मों के आचरण से ही निर्भीक समाज का निर्माण संभव है।
हम यदि चाहते हैं कि एक निर्भीक समाज का निर्माण, तो फिर उसे जरूरी है कि वो कुशल धर्मों का यानी अच्छे कर्म करें, अच्छे विचारों को अपने साथ रखें, अच्छे विचारों के साथ अपनी जीवनचर्या को आगे लेकर जाएं, तभी निर्भीक समाज का निर्माण संभव है। ये आचार्य शांतिदेव कहते हैं। और फिर इसके आगे एक और बात जोड़ते हैं, वे कहते हैं कि ध्यान। अब ध्यान का अर्थ क्या हुआ, तो ध्यान का अर्थ वे बताते हैं मन की स्थिरता, चित्त की एकाग्रता, यही ध्यान। और बस इसी बात को आप देखिएगा, यदि आपने बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का बुद्ध और उनका धम्म पढ़ा होगा, तो वहां बाबा साहेब जब इन पारमिताओं को समझाते हैं, तो उसमें अष्टांगिक मार्ग को जब समझाते हैं, तो उसमें सम्यक समाधि आती है। और इस सम्यक समाधि को समझाते हुए बाबा साहेब लिखते हैं कि इसका अर्थ हुआ चित्त की एकाग्रता। यही बात यहां आचार्य शांतिदेव लिख रहे हैं। वे कहते हैं कि ध्यान का अर्थ है मन की स्थिरता, चित्त की एकाग्रता। ध्यान पारमिता का अभ्यास साधक में जैसे जैसे बढ़ता जाता है, वैसे ही सामाजिक जीवन से साधक मनोमय जगत में प्रवेश करता जाता है। जब चित्त एकाग्र होता है, मन हमारा जो है वो स्थिर होने लगता है, तो हमें अपने स्वयं के प्रति भी और अपने आसपास के जीवन के प्रति भी एक जबरदस्त प्यार बढ़ने लगता है। सबके प्रति आत्मीयता की भावना बढ़ने लगती है, मित्रत्व का संचार होने लगता है। और ये जब होता है, तब एक आदमी दूसरे के प्रति द्वेष नहीं करता, बल्कि प्रेम पूर्ण जीवन में उसके साथ उपस्थित हो जाता है। और ये जो प्रेम पूर्ण जीवन है, ये स्वार्थ परकता को अलग कर देता है। तो जहां स्वार्थ नहीं होता, वहां मित्रता और घनी हो जाती है, और हम एक बेहतर समाज के निर्माण में प्रवेश करते चले जाते हैं। तो ये जो बात है ध्यान की, तो ध्यान का मतलब ये है कि अपने चित्त की एकाग्रता। फिर भी आगे कहते हैं कि ये जो साधक मनोमय जगत में प्रवेश करता चला जाता है, तो ध्यान पारमिता की साधना में ध्यान की उत्कृष्टता अधिक होती है। उसमें स्वार्थ एवं परार्थ का कोई भेद नहीं रहता, मतलब ना अपना ना पराया, ये कोई भेद ही नहीं होता। हम सबके साथ एक दूसरे के साथ जुड़ते चले जाते हैं, क्योंकि वो जो तत्व हमारे अंदर जीवित है ऊर्जा के, बस वो ही ऊर्जा इस संसार में भी, इस वातावरण में भी, हर तरफ में वो जीवित है, और इसलिए सब एक है, ये भावना अपने आप उत्पन्न होती चली जाती है। तो ध्यान की एकाग्रता से क्लेशों का हम नाश करते हैं, और ध्यान पारमिता से परात्म समता, परात्म परिवर्तन पर बल दिया जाता है, और प्राणियों के सुख दुख को अपना सुख दुख माना जाता है। हर प्राणी के सुख दुख को अपना सुख दुख जब माना जाता है, तब दुखों की निवृत्ति के लिए ध्यान पारमिता का अनुग्रह किया जाता है, बोधिचर्या। तो आचार्य शांतिदेव बोधिचर्या में इस बात को समझाते हैं। अब एक और बात आती है प्रज्ञा, जिसके विषय में बहुत सारे लोग जानते हैं। आचार्य शांतिदेव भी प्रज्ञा की चर्चा करते हैं। यहां आप एक बात ध्यान में रख सकते हैं कि प्रज्ञा को आचार्य शांतिदेव ने इन छह पारमिताओं में सबसे आखिरी में लिखे, लेकिन प्रज्ञा को समझाते हुए पूरा बौद्ध जगत और बुद्ध वचन और बुद्ध की शिक्षाएं बिल्कुल एक है। और वो ये है कि प्रज्ञा बिल्कुल दुधारी तलवार की तरह होती है, यदि उसे शील की जोड़ ना मिले, अगर शील उसके साथ में ना हो, तो फिर शील को छोड़कर यदि प्रज्ञा हो, तो प्रज्ञा बड़ी घातक होती है। और इसलिए ये सारा अभ्यास, चाहे शांति का हो, शील का हो, दान का हो, इन सब का अभ्यास करते हुए जब, और ध्यान खास तौर पर, इसके बाद अगर आदमी प्रज्ञा की तरफ काम करता है, तो फिर उसकी उससे गलती होने की संभावना नहीं रहती, और वो प्रज्ञा बिल्कुल विशिष्ट दिशा में काम करती है। वो प्रज्ञा कभी भी समाज के लिए घातक नहीं होती, बाबा साहेब की प्रज्ञा जैसे। वो प्रज्ञा का एक ऐसा शिखर है, प्रज्ञा पारमिता का। सारी जानकारियां हैं उनके पास, पूरा ज्ञान है, प्रज्ञावान है वे, लेकिन उन्होंने अपने ज्ञान का इस्तेमाल सही दिशा में किया, समाज को निर्माण करने के लिए।
तो प्रज्ञा के लिए देखिएगा क्या कहते हैं आचार्य शांतिदेव कि शील समाधि साधनों के साधनों को तथागत ने प्रज्ञा के लिए साधन स्वरूप कहा है। शील समाधि ये जो साधन है इनको तथागत ने प्रज्ञा के लिए साधन के रूप में कहा है और प्रज्ञा संबोधि ज्ञान को कहते हैं। संबोधि ज्ञान एनलाइटनमेंट इसे प्रज्ञा कहा आचार्य शांतिदेव ने। और फिर वे आगे कहते हैं प्रज्ञा पारमिता का साधक वैयक्तिक कल्याण की अपेक्षा समाज कल्याण में ही अधिक प्रवृत्त होता है। जो प्रज्ञावान होता है वो प्रज्ञावान प्रज्ञा पारमिता का साधक ये वैयक्तिक कल्याण की ओर नहीं छूता है, वो केवल सामाजिक कल्याण की ओर समाज कल्याण की ओर अधिक प्रवृत्त होता है। और बोधिसत्व कहता है कि जगत का जो दुख है, देखिएगा ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, बोधिचर्या अवतार में आचार्य शांतिदेव बता रहे हैं कि बोधिसत्व कहता है कि जगत का जो दुख है वह सब मैं भोगूंगा। उसका जो संकल्प होता है कि इस जगत का जो कुछ दुख है वह सब मैं भोगूंगा और बोधिसत्वों के सब पुण्यों से जगत सुखी हो, यह उसकी मंगल भावना होती है कि ये जो बोधिसत्वों का ये जो पूरा पुण्य है इसमें से जो कुछ अच्छा निकलेगा ये सबको सबसे ये पूरा जो संसार है पूरा जो जगत है ये सुखी हो जाए। तो ये होती है बोधिचर्या। बोधिचर्या अवतार में आचार्य शांतिदेव का जो दार्शनिक चिंतन है उस दार्शनिक चिंतन को इस समय हम आपके पास पहुंचा रहे थे। आचार्य शांतिदेव की और भी जो चिंतन की प्रक्रिया में उनकी जो अनुभूतियां हैं वो अनुभूतियां आपके पास पहुंचाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको अगली कड़ी का इंतजार करना होगा क्योंकि ये वक्त पूरा होता है। तो हमें इजाजत दीजिएगा, अगली कड़ी में आपसे पुनः मुलाकात होगी।